तो आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे उस सेल्फी की, उस युवक की, उस डीएम की जिसके साथ उस युवक ने सेल्फी ली और उसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। हालांकि उस युवक को छोड़ दिया गया है, न्यायिक हिरासत में उससे भेजा गया था पहले। दरअसल बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला कलेक्ट्रेट में गांव के लोगों की समस्याएं सुन रही थी। उसी दौरान ग्राम प्रधान के साथ आए फराज नाम के युवक ने पहले तो डीएम के साथ मोबाइल से फोटो खींची और हतोतब हो गए जब वो बगैर इजाजत महिला डीएम के साथ सेल्फी खींचने लगा, जिसके बाद फराज को पकड़कर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस युवक की जिसने महिला डीएम के साथ सेल्फी लेने का प्रयास किया, ली भी और उसके बाद उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ा। इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरीके से आए दिन सेल्फी के चक्कर में कभी दुर्घटना होती है, कभी इस तरीके के फोटोग्राफ्स का बेजा इस्तेमाल होता है। जब वो अक्रॉस द टेबल ही बैठकर वो अपना कैमरा को ऐसे लिए जा रहा था जैसे चेहरे मिले हुए टाइप में, इसका ये मतलब नहीं कि अगर उनका शौक जो कुछ भी है वो हमारे सामने आकर बिना मर्जी के जब एतराज जताया, उनको डांटा कि क्यों ये सब, मतलब बिना परमिशन के नहीं होना चाहिए। बाहर उनको फोटो डिलीट करने को कहकर बाहर भेजा गया, तो बाहर उसने बाहर क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैंने तो सुना कि वो उलझने लगा कि मतलब ये मेरी मर्जी है, मेरा वो कैमरा है। यहाँ बात दृष्टिकोण की होनी चाहिए कि आपका कैमरा है लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आप खींचना चाह रहे हैं क्या वो सहमति है, दौरान कार तो नहीं हो, कोई निजी व्यक्तिगत कहीं गए हो किन्हीं के कार्यक्रम, तब बात अलग होती है ना। सिटिंग इन कलेक्ट्रेट और ऐसा कुछ भी होना, मेरे लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग था। किसी कथित समाचार पत्र द्वारा बार बार इस चीज़ को यह दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसको, इसमें बच्चे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सेल्फी खींचना बुरी बात नहीं है, सेल्फी खींचना गलत नहीं है, या सेल्फी खींची गई तो उसके लिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इस तरह का दबाव उनके द्वारा बनाया जा रहा है। एडीएम होने के नाते, बल्कि हम लोगों ने इस चीज़ को एक समाज का अंग होने के नाते समाज के सामने इस बात को उचित रखना उचित समझा और समाज का विचार जानना चाहा कि क्या ये सही है कि इस तरह की सेल्फी खींचना गलत है या सही है। सभी लोगों का 100% यह मत है कि यह सेल्फी लेने का जो कार्यक्रम है ये गलत है, बिना अनुमति के सेल्फी लिया जाना गलत है। नासम जी के 18 साल की उम्र सारी है उसकी, तो इस थोड़ी सी उम्र में वो फोटो खींच बैठा, उससे ये गुनाह हुआ, उसको इस गुनाह की सज़ा मिल गई। अब मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको रिहा करा दे, अब वो घर पे आ जाए हम उसको समझा लेंगे। अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अमित, सेल्फी का मतलब तो होता है कि अपने मोबाइल से खुद की तस्वीर लेना, जब आप डीएम के साथ फोटो सेशन करने लगते हैं तो इसका ये तो प्रॉपर या तो फोटो सेशन होगा या उसको कहा जाएगा कि आप डीएम के साथ अपनी तस्वीर खींच रहे हैं, वो सेल्फी नहीं रह जाती है। और जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल की भी खबरें आती रही हैं, क्या इस पूरे प्रकरण से कोई नजीर स्थापित होती है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये डीएम की बिल्कुल तानाशाही देखने को मिली है, जो अपने ऑफिस में या कहीं पर भी जाती है हजारों फोटो उनके खींचे जाते हैं, सेल्फी सिर्फ सामने से ली जाती है। ये सेल्फी का फोटो जो सामने आया है मीडिया के, ये सेल्फी नहीं है, बाकायदा स्वेच्छा से ये फोटो खिंचाया गया है और उसके बावजूद भी डीएम ने इसको जेल भेजा। आज इसको सुबह 9 बजे जेल से रिहा कराया गया है। तमाम खबरें चलने के बाद में जरूर खुद पे यहाँ का प्रशासन आया है, इसके इसके बाद उसको रिहा कराया गया है। जी नहीं, आप ये कह रहे हैं ये सेल्फी है या फोटो खींची गई है? मतलब सामने से फोटो, जी जी फोटो बिल्कुल सामने से खींची गई है, सेल्फी सुरक्षा से खिंचवाई जाती है, जबकि डीएम का ये कहना है उसने सेल्फी ली है। बाकायदा जो फोटो हमारे सामने आया है उसी दिन का फोटो बताया गया है और ये सामने से सुरक्षा से सामने से फोटो खींचा गया है। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए।
अभी। चलो आसिफ भाई। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं, इंडिया 24/7 ये सवाल उठा रहा है कि क्या सेल्फी युवाओं में सनक बन गई है। क्या सेल्फी युवाओं में सनक बन गई है? बगैर पूछे सेल्फी लेना कहां तक जायज है? बगैर इजाजत महिला अफसर की तस्वीर लेना क्या गलत नहीं है? क्या अफसर होने के बाद उसके महिला होने के अधिकार नहीं रह जाते हैं? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठ खड़े होते हैं। वैसे इस बात को भी हमें तस्दीक करना होगा कि सेल्फी और एक सामान्य फोटो अगर मोबाइल से भी आप ले रहे हैं तो उसमें अंतर क्या है? सेल्फी यानी खुद की फोटो आप जब अपनी तरफ मोबाइल करके खींच लेते हैं, और अगर आप किसी के साथ फोटो खींच रहे हैं तो वो सेल्फी नहीं रह जाएगी। अगर उसकी सहमति के बगैर आप फोटो खींच रहे हैं तो फिर वो फोटो सेशन ही होगा, और उसके लिए आपको सामने वाले की या अपने साथ वाले की अनुमति लेना हक बनता है, उसका अनुमति देना या ना देना। आप अपने मोबाइल से अगर अपनी तरफ अपने अपने फ्रंट कैमरे से उस मोबाइल के आप फोटो खींच रहे हैं, वो आपकी सेल्फी हो सकती है। अगर कोई आपके साथ खिंचाना चाहता है वो भी उसकी सहमति के साथ आप, वो भी सेल्फी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे प्रकरण सामने आ रहे हैं, और कई बार इस तरीके की चीजें देखी गई हैं कि फोटो के साथ छेड़छाड़ करके और उसका गलत इस्तेमाल होता है, बेजा इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में ये सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके की हरकतों पर लगाम कैसे लगेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सफलता से गदगद जेडीयू अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। खबर है कि अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। आज अजीत सिंह और शरद यादव की मीटिंग है जिसमें आरएलडी और जेडीयू में इसे लेकर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले जनता परिवार के मर्जर के कयास लग रहे थे, लेकिन उसमें आरएलडी को लेकर चर्चा नहीं थी। माना जा रहा था कि मुलायम सिंह की वजह से अजीत सिंह को दूर रखा गया, हालांकि बाद में इस गठबंधन से खुद मुलायम ने दूरी बना ली। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू और अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी उत्तर प्रदेश में समझौता कर सकते हैं, एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। आज अजीत सिंह और शरद यादव की मीटिंग है जिसमें आरएलडी और जेडीयू के बीच इस बात को लेकर समझौता हो सकता है, बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले जनता परिवार के मर्जर के कयास थे, लेकिन उसमें आरएलडी शामिल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, रोडरेज और भीड़ का गुस्सा। देश में भीड़ का गुस्सा बेहद आम होता जा रहा है। सड़क पर मामूली सी बात पर बहस खून खराबे तक पहुंच जाती है। ताजा तस्वीरें यूपी के कानपुर से हैं। दो लोगों की आपस में बाइक टकरा गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। पहले बहस हुई, बहस बढ़ी, दो गुटों में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, दर्जनों लोग जख्मी हुए। हालात इतने बिगड़े कि मौके पर पहुंची पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। सड़क जंग का मैदान बन गई। पुलिस को बाकायदा लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। किसी के सिर पर चोट लगी,
किसी की पीठ पर ईंट लगी, कोई दौड़ते भागते गिरा, कोई मुकाबला करते हुए लहूलुहान हुआ, कोई दुकान के पीछे जाकर छिपा, कोई घर में बंद हो गया। इस हिंसक झड़प में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। घंटों तक ब्रह्मनगर इलाके में तांडव होता रहा, एक दूसरे पर जानलेवा हमले होते रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जैसे ये सड़क नहीं रण का मैदान हो। जंग की शुरुआत गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई, देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप धारण कर लिया, फिर जो हुआ वो आपके सामने है। एक दूसरे का सिर फोड़ने वाले ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। एक तरफ रंजन वाजपेयी और उसके समर्थक थे तो दूसरी तरफ अनिल सोनकर और उसके समर्थक, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो लोग अपना बदतमीज रूप गुम्मा चला दे, मेरा राड मार दिया छुड़ाने में। कौन है ये लोग? रिंकू वाजपेयी, जय वाजपेयी और उसका भाई थे, दूसरे दो का नाम और है, चारों भाई थे ये, और चार पांच बाहरी लड़के हैं। एसपीओ वगैरह भी है? हाँ एसपीओ है ये, और उसी का फायदा उठाता है, बजरिया से है ये, कई कांड यहाँ रोड पे हो चुका उसके। बीच सड़क पर हिंसक झड़प होते ही भारी तादाद में फोर्स मौके पर पहुंच गई, दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस के सामने भी लोग हंगामा करते रहे, हमले में चार लोगों को चोटें आईं। पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। घंटों बाद पूरा मामला शांत हुआ, लेकिन जिस तरह से गाड़ी पार्किंग को लेकर एक ही पार्टी के दो गुटों के बीच सड़क पर कोहराम मचा रहा, ये ना तो पार्टी के लिए ठीक है और ना ही कानून व्यवस्था के लिए। अब देखना है कि इस अराजकता को लेकर किस किस पर और कब तक कार्रवाई होती है। मोहम्मद उजैर, कानपुर, इंडिया 24/7। सूरत से एक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर 29 जनवरी की है। राउलाज मॉल के पास बाइक सवार को कार ने जोरदार टक्कर मारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आशीष मिस्त्री नाम का एक शख्स अपनी बाइक से यू टर्न ले रहा है, तभी तेज रफ्तार आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। कार एक रिटायर्ड डीएसपी का बेटा मुंजाल देसाई चला रहा था। टक्कर मारने के बाद मुंजाल देसाई वहां से फरार हो गया। हादसे में जख्मी आशीष को सनशाइन ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी हालत नाजुक है, वो पिछले एक हफ्ते से कोमा में है। बताया जा रहा है कि मुंजाल देसाई कार का टेस्ट ड्राइव कर रहा था, नई कार होने की वजह से उसमें नंबर प्लेट नहीं थी। एक्सीडेंट के बाद जो कार चालक था वो जगह छोड़ के चला गया था, और हमने एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी तहकीकात की। तहकीकात के दरमियान हमें पता चला है कि वो महिंद्रा कंपनी की केयूवी गाड़ी थी, और नई गाड़ी होने के कारण उसमें नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। बाद में तहकीकात के दरमियान आरोपी पता चल गया है, आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की तहकीकात अभी चालू है। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज भी एमसीडी कर्मचारी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी कर्मचारी अपनी सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी दिल्ली के तमाम इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। इस हड़ताल के चलते राजधानी की कई व्यवस्थाएं चरमरा गई। हड़ताली कर्मचारी आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद एमसीडी कर्मचारी अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। दो दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए 551 करोड़ रुपए का कर्ज का ऐलान किया, बावजूद इसके हड़ताल वापस नहीं ली गई। एमसीडी कर्मचारी समस्या का स्थायी हल चाहते हैं। हड़ताल में तीनों एमसीडी के सफाई कर्मी, डॉक्टर और शिक्षक शामिल हैं, जिसकी वजह से शहर में कूड़े के ढेर के अलावा अस्पतालों और स्कूलों की व्यवस्थाएं भी चरमरा गई हैं। एमसीडी कर्मचारी वेतन भत्ते समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं।
और अब बात करते हैं ताज नगरी की। आगरा में एक महिला ने धड़ से जुड़े हुए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। शहर के जयदेवी अस्पताल में बुधवार को इस महिला ने इन बच्चों को जन्म दिया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि दोनों बच्चे एक ही लीवर पर जिंदा हैं। हरेरा सिरसागंज के एक अस्पताल में गर्भवती महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे भर्ती करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसके परिजन उसे आगरा के जयदेवी अस्पताल ले गए, जहां महिला ने जुड़े हुए बच्चों को जन्म दिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इन बच्चों का लीवर एक ही है, लेकिन दिल दोनों के अलग अलग हैं। अगर इन बच्चियों का जल्द ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं 8 महीने में इसका दर्द उठाता मेरी वाइफ के, तो उसको लेके गया डॉक्टर के पास। तो उसने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसने बोला कि इसके 2 बच्चे हैं, वो भी एक दूसरे से चिपके हुए। तो हमने सोचा, उन्होंने हमसे राय दी कि मतलब बच्चे बचेंगे तो है नहीं, तो आप 9 महीने रखोगे तो आपकी वाइफ भी खतरे में आ सकती है। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी हम इसको निकलवा दें तो अच्छा रहेगा। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, 1 लाख के अंदर होती है। और अब तक की मेरी प्रैक्टिस में मैंने पहली बार ऐसे ट्विंस देखे हैं, जबकि मुझे प्रैक्टिस करते हुए करीब 30 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, दोनों जुड़वा हैं? हाँ, दोनों जुड़वा हैं, लेकिन ये थोरैक्स से अपने मतलब जो इनका छाती है, छाती से जुड़े हुए हैं।